हेलो एवरीवन, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एस्थेटिक मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म। ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में इमर्ज हुई और इस मूवमेंट ने वर्क ऑफ आर्ट की ऑटोनॉमस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। अब ऑटोनॉमस मीन्स वर्क ऑफ आर्ट, एक कोई भी वर्क है, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और इस मूवमेंट का मोटो था आर्ट फॉर आर्ट सेक। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एस्थेटिक मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म बिगैन इन लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद वाला जो पार्ट है 19th सेंचुरी का, उस पार्ट में ये मूवमेंट डेवलप हुई और उसने वैल्यूड ऑटोनॉमस नेचर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। अब इस मूवमेंट ने जो वर्क ऑफ आर्ट है, अब यहाँ पे आर्ट मतलब पेंटिंग, स्कल्प्टर, पोएट्री, फिक्शन राइटिंग और कोई भी आर्ट, उसका एक कोई भी वर्क है, उसके ऑटोनॉमसनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। नाउ A work of art was self-sufficient and has no other aim for its existence. इस लाइन में ही एस्थेटिसिज्म का पूरा मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। मतलब ये जो वर्क है वो सेल्फ सफिशियंट है और उसके एग्जिस्टेंस का दूसरा कोई और एम नहीं है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटिंग है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत लोगों ने उस पेंटिंग से कोई मीनिंग निकाला होगा, कोई सिंबल निकाला होगा। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, उस पेंटिंग पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और रिसर्च हो रही है कि लियोनार्डो डा विंची ने उस पेंटिंग को क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, सिंबल क्या है और वो हंस रही है या रो रही है, ये सब रिसर्च हो रहा है या फिर हुआ है। लेकिन एस्थेटिक मूवमेंट के लिए दिस इज जस्ट अ पेंटिंग एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि उस पेंटिंग में कौन सा सिंबल है, उस पेंटिंग का मीनिंग क्या है या फिर किसके लिए बनाई गई है। इससे एस्थेटिक मूवमेंट को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो पेंटिंग बन गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। मतलब एस्थेटिक मूवमेंट उस चीज को, मतलब जो वर्क ऑफ आर्ट है, उसकी ब्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि उस वर्क ऑफ आर्ट से कोई मोरल निकलना चाहिए, कोई सिंबल निकलना चाहिए या फिर कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए। अब इस मूवमेंट का मोटो है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, मतलब जो आर्ट है सिर्फ आर्ट के लिए ही है। उस आर्ट से ये जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई मोरल निकलना चाहिए, बिकॉज आर्ट इज ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, क्योंकि वो जो वर्क ऑफ आर्ट है वो ब्यूटीफुल है। अब इस मूवमेंट का फोकस क्राफ्ट और आर्टिस्ट्री में ज्यादा था, मतलब पेंटिंग, स्कल्प्टरिंग, इसमें ज्यादा था रादर देन फिक्शन, पोएम्स और लिटरेचर। अब लिटरेचर में द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोएम और अ नॉवेल एज एन एंड इन इटसेल्फ विदाउट मोरल पर्पस। एस्थेटिक मूवमेंट में एक आधा पोएम है, एक आधी नॉवेल है, वो शुरू से लेकर एंड तक उतनी ही है। वो जब जैसे ही एंड हो जाती है नॉवेल या पोएम, वो बस एंड हो जाती है, उससे कोई मोरल पर्पस निकले जरूरी नहीं है, क्योंकि जो टेक्स्ट में दिया है, जो पोएम में दिया है, जो नॉवेल में दिया है, जो कुछ भी दिया है, उसको रीडर ने एंजॉय करना चाहिए। उसका मीनिंग निकालने की कोशिश ना करे, उसको किसी से रिलेट करने की कोशिश ना करे। द मूवमेंट फोकसेस ऑन ब्यूटी इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। तो जो मैंने पहले बताया है कि ये जो मूवमेंट है वो ब्यूटी पे ज्यादा फोकस करती है, कि वो जो वर्क है इट इज ब्यूटीफुल। अब वो आर्ट में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है या फिर लिटरेचर में भी हो सकता है, लेकिन ये वर्क अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक मूवमेंट वो ब्यूटीफुल है, अपने आप में ही ब्यूटीफुल है। अब इस मूवमेंट की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। द टर्म ओरिजिनेटेड इन फ्रांस एंड वॉज डेवलप्ड बाय बॉडलेर, फ्लॉबर्ट, मलार्म एंड अदर्स।
तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली फ्रांस में डेवलप हुई, और इसको बॉदलेर, फ्लॉबर्ट, मेलार में और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। सबसे पहले इस आइडिया को जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, उन्होंने क्रिटिक ऑफ जजमेंट में, जो कि 1790 का उनका बुक है, उसमें उन्होंने प्रपोज किया ये आइडिया। और ये जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म था उसको विक्टोरियन इंग्लैंड में वॉल्टर पैटर ने इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड एस्थेटिसिज्म इन इंग्लैंड, द आंसर इज वॉल्टर पैटर। अब इसके इंग्लैंड में मेजर प्रैक्टिशनर्स कौन से थे, एसी स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिमंस, और हेनरी मर्गस का सेंस डेला विडे बोहेम, ये बहुत ही फेमस वर्क है इस मूवमेंट का। आई होप कि आपको एस्थेटिक मूवमेंट या फिर एस्थेटिक क्रिटिसिज्म या फिर एस्थेटिसिज्म क्या है समझ में आया होगा, जिसका मोटो आर्ट फॉर आर्ट्स सेक है, मतलब जो लिटरेरी वर्क है वो उसमें खुद में ही कंप्लीट है, वो खुद में ही ब्यूटीफुल है, उसमें से कोई मोरल निकलना चाहिए जरूरी नहीं है, उसमें से कोई दूसरा मीनिंग निकलना चाहिए जरूरी नहीं है, इसको किसी और चीज से, जो वर्क है इसको किसी और चीज से रिलेट करना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है। तो दिस इज एस्थेटिसिज्म। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।